नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आपका जीके मैस्ट्रोलॉजी में। मैं हैदराबाद से पंडित गजानन कृष्ण महाराज। आज हम बात करेंगे साल 2022 में करवा चौथ यह व्रत कब है, व्रत करना चाहिए नहीं चाहिए। जो माताएं विवाह के बाद पहली बार व्रत कर रही हैं उनको यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए नहीं, क्योंकि इस संबंध में मेरा जो पिछला वीडियो था शुक्रस्त का, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दी हुई है, तो उसको देख करके काफ़ी लोगों के मन में यह शंका हुई थी कि शुक्रस्त है महाराज जी, जिसको हम लोग सुकुवा डुबरा कहते हैं सरल भाषा में, तो उसके कारण यह व्रत किया जा सकेगा या नहीं। आइए इन सबको जानते हैं। भगवान महादेव गौरी, महादेव और गौरी शिव पार्वती का सबसे प्रिय त्योहारों में से एक, जहां माताएं अपने आप को विवाह के बाद अपने पति जिनको परमेश्वर माना जाता है उनके प्रति समर्पित कर देती है इस जन्म को, इस जीवन को, इस जन्म को, इस शरीर को, तन से मन से अपने पति की हो जाती है। उन्हीं पति की दीर्घ आयुष्य का पर्व और माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ को रिझाने का उनसे संबंधित यह पर्व करवा चौथ। यह व्रत अधिकतर सनातन धर्म की महिलाएं माताएं बहुत विधि विधान से इसका पालन करती है। एक अजीब से उनके अंदर एक स्फूर्ति होती है इस दिन। वह दो चार दिन, पांच सात दिन पहले मेहंदी मारना, नए वस्त्र धारण करना, श्रृंगार वगैरह, तो एक मन उनका आनंदित, उत्साहित, प्रफुल्लित हो जाता है। यही तो ताकत है हमारे सनातन धर्मों की, जहाँ हमारा मन स्वतः ही त्यौहार आते आते उनके अंदर इतना हम खो जाते हैं कि हमको संसार की सुध-बुध नहीं रहती। ऐसा ही पर्व है करवा चौथ। आइए जानते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम दो मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको पूरा जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि आखिर करवा चौथ का क्या है, इस बार क्यों इतना हल्ला हो रखा है। सबसे पहले यह जानते हैं साल 2022 में करवा चौथ कब है। तो यह हर बार कार्तिक महीने में ही आता है, तो साल 2022 में, यानी सनातन संस्कृति के हिसाब से हमारे हिंदू वर्ष के अनुसार संवत 2079 कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि गुरुवार 13 अक्टूबर 2022 इस दिन करवा चौथ है। अब इस करवा चौथ के बाद, ये तो दिन हो गया, इस दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा शाम के 6:40 और फिर रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। तो रोहिणी है तो चंद्रमा स्वतः उस दिन वृषभ के हो जाएंगे, उच्च के चंद्रमा, जो बहुत शुभ माने जाते हैं। अब यह तो हुआ किस दिन है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं करवा चौथ के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। यह शुभ मुहूर्त शाम में 5:58 5:58 PM शाम के 5:58 से लेकर के 7:05 तक यह करवा चौथ के पूजा का मुहूर्त रहेगा। इसके बाद करवा चौथ का व्रत का समय भी काफी लोग करते हैं, तो ये शाम के 6:09 से 8:25 तक करवा चौथ का व्रत का समय रहेगा। इस दिन जहां आप रहते हैं, यदि प्रकृति साफ रहती है, मेरा मतलब प्रकृति मतलब मौसम साफ रहता है, और जहां आप रहते हैं वहां वर्षा नहीं होती है, तो पंचांग के अनुसार इस दिन रात में लगभग 8:30 के आसपास जहां आप रहते हैं वहां पर चंद्र के दर्शन हो जाएंगे मौसम साफ रहने पर। अब बात करते हैं उस विषय पर, सबसे मुख्य विषय जिसका सबसे ज्यादा लोग हमको प्रश्न कर रहे थे व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टा पर भी काफी लोगों ने मैसेज छोड़ा था, ट्विटर में भी काफी लोगों ने ट्वीट करके कमेंट किया था। जीके मैस्ट्रोलॉजी इस नाम से हमारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स है लगभग सारे, शेयर चैट सभी जगह, तो वहां पर अधिकतर लोगों ने इस व्रत से संबंधित एक प्रश्न जो कॉमनली लाइक मेनी विमेन्स हु हैव आस्क्ड मी कि शुक्र अस्त है तो क्या इस बार व्रत को प्रथम बार अगर आप कर रहे हैं तो क्या इसको प्रारंभ किया जा सकता है। शुक्र वास्तव में हमारे उन्नति का कारक ग्रह है। ज्योतिष के अनुसार शुक्र क्या होता है ना, शुक्र का अस्त होने का मतलब है वह अपनी मार्ग में चलते चलते जब सूर्य के निकट आ जाता है। कुंडली में भी काफी लोग आपने देखा होगा, पंडित जी कहते हैं सूर्य के साथ या सूर्य की डिग्रीज जो पास वाली डिग्रीज में हो, तो जो ग्रह सूर्य के निकट आता है वो अस्त हो जाता है, अस्तांचल को प्राप्त होता है। तो शुक्र का अस्त होना यानी वो सूर्य के पास आते हैं, और अगर सूर्य, क्योंकि बहुत चमकीला ग्रह, बहुत
एनर्जेटिक प्लैनेट है तो वो शुक्र को थोड़ा सा अपने अंडर ले लेते हैं एनर्जी वाइज, रेज वाइज और ग्रहों के हिसाब से। ये तो ज्योतिषीय भाषा हुई। मुख्य कारण यही है कि यह क्योंकि शुक्र हमारे वैभव का, हमारे श्रृंगार का, हमारे लग्जरिटीज का, हमारे उत्सवों का पर्व है शुक्र। ये जब अस्त हो तो किसी भी अस्त के कारण, चाहे वह बृहस्पति अस्त हो, शुक्र हो, लेकिन प्रमुख तरह से शुक्र यदि अस्त हो तो उसमें विवाह, ग्रह प्रवेश, नया वाहन लेना, भूमि आदि का रजिस्ट्रेशन है, सगाई आदि, ये सब कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें करवा चौथ की यह मान्यता है, शास्त्र यह स्पष्ट आदेश देते हैं कि अगर आप नविवाहित है, आपका अभी अभी विवाह हुआ है, तो प्रथम बार अगर आप करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी यह व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, अगर आप विवाह के बाद प्रथम बार है, यह प्रथम या दूसरी बार भी है, पिछली बार भी कोई कारण आपने नहीं कर पाए और पहली बार शुरू कर रहे हैं, चाहे जब भी आपका विवाह हो, तो शुक्र अस्त के कारण इस बार 2022 में आप प्रथम बार करवा चौथ के व्रत को प्रारंभ बिल्कुल भी ना करें। हाँ, और इसके साथ अगर आप पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं, हर साल करते आ रहे हैं, तो कोई दोष नहीं। जो सामान्य जो नियम होता है, जो पूजा पाठ आप माताएं करती हैं, उनको विधि विधान से फॉलो करिएगा। साथ में काफी लोग उद्यापन भी करते हैं करवा चतुर्थी का, तो उद्यापन जब व्रत ही पहली बार कर रहे हैं वो ही नहीं हो पाएगा तो उद्यापन कैसे होगा। बाकी सामान्यतः आप रेगुलर जो व्रत रखते हैं वो रखिए, आप पूजा पाठ करिए, सूर्य को अर्घ, चंद्रमा को अर्घ देना है। भारत के प्रांत में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग इसको मनाने की व्यवस्था है, तो वो आप सभी करिएगा। बस ये ध्यान रखिए कि प्रथम बार अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसका उद्यापन नहीं करना है। तो यह करवा चौथ के संबंध में विशेष एक जानकारी थी। आपसे प्रार्थना है इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी माताएं अधिक भ्रमित है उनको सही जानकारी हमारे शास्त्र की, पर्वों की, इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से उन तक पहुंच पाए। आप सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम और इस करवा चतुर्थी के व्रत की मंगलमय शुभकामना। जय श्री कृष्ण।